नौ सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। नगर निगम भिलाई 3 चरौदा के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने वार्ड की समस्याओं के निराकरण करने नौ सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम भिलाई चरौदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर को सोमवार को ज्ञापन सौंपा। वहीं इसके पूर्व में भी पार्षदों के द्वारा वार्ड की समस्याओं के विषय में नगर निगम को अवगत करा दिया गया था, जिसके बाद निगम द्वारा तत्काल निराकरण करने का आश्वासन दिया गया था। वहीं पार्षदों का कहना है कि अब तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। पार्षदों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखते हुए कहा कि हर वार्ड में पानी की समस्या है, जिसका निराकरण किया जाना चाहिए। अधोसंरचना का कार्य भी शुरू नहीं है, जिसे शुरू कराया जाए। वार्डों में बिजली और लाइट की समस्या है। वहीं राशन कार्ड बनाने विलंब हो रहा है। पीएम आवास योजना का कार्य हर वार्ड में चालू किया जाए। संपत्ति का दूसरे निकायों की तरह हाफ किया जाए। साथ ही वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। वहीं पार्षदों ने यह भी कहा कि 7 दिनों के अंदर समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज पार्षद दल के द्वारा 9 बिंदुओं पर चर्चा हुई और ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रहा जल आवर्धन योजना। जल आवर्धन योजना पूर्व में इनके द्वारा बोला गया था, महापौर और हमारे आयुक्त महोदय के द्वारा, कि 30 मार्च तक हम पूरा जल आवर्धन पूर्ण रूप से चालू कर देंगे, लेकिन अभी तक 9 मई हो गया, अभी तक ये पूर्ण रूप से चालू नहीं है। कहीं आता भी है तो कभी बंद हो जाता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी आता है, कभी नहीं आता। और अकलोडी, विश्व बैंक कॉलोनी, आज़ाद गांधीनगर, चरौदा बस्ती, हाउसिंग बोर्ड, भाटापारा और कई ऐसे जगह हैं जहां पे अभी तक जलावर्धन, डबरापारा भी है, जलावर्धन का पाइप तक मैं चालू नहीं किया गया है एक बार भी। आयुक्त महोदय से हम लोगों ने चर्चा किया, आयुक्त महोदय ने हमको 30 मई तक का समय दिए हैं कि 30 मई तक मैं हर वार्ड में जा करके मैं देखूँगा और जहाँ पर पानी की समस्या है उस समस्या को पूर्ण करूँगा। इसके पूर्व अभी 39 करोड़ का मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया, उसको भी अभी धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा। अभी राशन कार्ड के लिए शिविर लगा था 22 अप्रैल को लगा था शायद, हाँ, वो अभी तक एक भी राशन कार्ड अभी तक नहीं बना। ये सिर्फ कागज में ही, इनका सारा काम कागज में ही चल रहा है, पेपर में ही चल रहा है और धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 दिनों के अंदर हमारी मांग को ये पूरा न किया गया तो हम सब भिलाई चरौदा की जनता के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी जवाबदारी आयुक्त साहब की होगी। और अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे पानी है वहाँ पे पानी का टैंकर जा रहा है, जहाँ पे एक बूंद पानी नहीं है, जहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं वहाँ टैंकर नहीं जा रहा है। कई कई जगह देख रहा हूँ कि 15-15 दिन टैंकर खड़े रहते हैं, उसको कोई लेने वाला नहीं है। मतलब टोटल प्रशासन, नगर निगम प्रशासन चरमरा गई है। आज भिलाई नगर में भिलाई चरौदा के पार्षद दल द्वारा आयुक्त के नाम में ज्ञापन दिया गया है, उसे मूलभूत समस्याओं को लेकर है। जो आजकल जल आवर्धन योजना में जो पाइपलाइन का काम शुरू करवाए हैं कई वार्डों में, ऐसा है मेरा ही वार्ड ऐसा सुता रहा है कि बहुत से इलाकों में पानी नहीं जा पा रहा है। ऐसे बहुत से वार्ड हैं, किलोडी ले लीजिए आप, गांधीनगर ले लीजिए, चरौदा भाटा पारा पार्षद है, वार्ड 11, वार्ड 12, वार्ड 28, ऐसी बहुत समस्याएं हैं। और उसने आश्वासन दिया 30 मई तक समझौता कम्प्लीट करके देंगे। और दूसरी बात, लाइट की समस्या, उसके बारे में चर्चा हुई, उसके लिए दिया आश्वासन उन्होंने 15 दिन के अंदर या 15 तारीख के अंदर वो भी व्यवस्था करके देंगे। और राशन कार्ड की समस्या है, लोग भटक रहे हैं राशन कार्ड के लिए, APL BPL कार्ड के लिए, फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है 20 मई तक सारे जो कागजात राशन कार्ड के वो फूड ऑफिस में भेज दिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन मिला। उसके बाद रूपरेखा बनेगी, तैयार की जाएगी रूपरेखा, अगला कदम उठाया जाएगा उसके लिए। बहरहाल इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। अब देखना होगा इनकी मांगों का निराकरण कब तक हो पाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई 3 चरौदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।